उत्तराखंड में अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर बवाल चरम पर है। इस बीच वन दरोगा भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन माध्यम से करवाई गई वन दरोगा भर्ती जांच के लिए डीजीपी अशोक कुमार को निर्देश दिए थे। जिसके बाद डीजीपी ने ये मामला एसटीएफ को सौंप दिया था, जिसमें भर्ती में धांधली की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही एसटीएफ ने नकल माफियाओं के खिलाफ फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कर लिया है। देहरादून से संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये समाचार पत्रों के माध्यम से हमें भी आज पता चला है, क्योंकि चयन की प्रक्रिया पूरी जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है उसके द्वारा की गई है और एसटीएफ उसकी जाँच के लिए आदेश हुए, तो जो एसटीएफ की जाँच में पाया जाएगा तो वन विभाग उसके जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगा। नशा मुक्त उत्तराखंड जागरूकता कार्यक्रम के तहत पौड़ी के प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पुलिस और प्रशासन की ओर से बढ़ते हुए नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित स्कूल के छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए एसएसपी यशवंत सिंह चौहान ने कहा कि यह बच्चों की जिम्मेदारी है कि उनके आसपास रहकर नशे का सेवन करने वाले लोगों को वे जागरूक करें। वहीं एसएसपी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना है कि प्रदेश को साल 2025 तक नशा मुक्त और ड्रग्स मुक्त बनाना है। इसी क्रम में पौड़ी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नशे को छोड़ने के बारे में जानकारी भी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त और नशा मुक्त करना है, 2025 तक उनका टारगेट है। उसी के रेफरेंस में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है और इसमें हमने अल्कोहलिक एनोनिमस, एक विश्वव्यापी संस्था है नारकोटिक एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस, उनको हमने इनवाइट किया है और स्कूल के हमारे जो वल्नरेबल जो हमारे एज ग्रुप के बच्चे हैं 9th से above जो कि नशे के प्रति आकर्षित हो सकते हैं किसी कारण से, उनको हमने इनवाइट किया है।